अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली रज़ा है और आज मेरे पास ये मॉडल है क्लिपशे का प्रो मीडिया 2.1। इसका इशू ये है कि इसका जो लेफ़्ट साइड वाला स्पीकर है, सेटेलाइट जो है इसकी, वो नहीं चल रही है। अब ये इसका एम्पलीफायर है, ये इसका एम्पलीफायर मॉड्यूल है। ये साइड जो है इसकी वो वूफर की है और ये साइड जो रिमेनिंग साइड है ये इसकी सेटेलाइट वाली साइड है, जिस पर इसके जो सेटेलाइट स्पीकर हैं वो चलते हैं। ये इसका वॉल्यूम कंट्रोल है जो कि एक लेफ़्ट राइट स्पीकर के अंदर है। तो हम चेक करते हैं इसमें इशू क्या है। और जो इसकी आईसीज़ हैं दोनों, वो सेम आईसीज़ लगी हुई हैं इसमें दोनों, वूफर के लिए और सेटेलाइट के लिए। इसमें TDS7265 साउंड आईसी यूज़ की गई है दोनों में, एम्पलीफायर वूफर के लिए भी और सेटेलाइट के लिए भी। तो इसको हम चेक करते हैं। तो अभी इशू ये है कि मेरे पास जो है इसका कम्प्लीट नहीं है ये, क्योंकि मेरे पास ये ऐसे ही किसी ने भेजा है रिपेयर करने के लिए। तो मुझे थोड़ी सी जुगाड़ करनी पड़ेगी इसमें इसको ऑन करने के लिए, क्योंकि इसके जो इनपुट हैं, जो एसी इनपुट हैं, वो दो हैं, डबल साइडेड इनपुट है इसमें। एक साइड ये है इसकी एसी इनपुट जो कि ट्रांसफार्मर से आएगी, और एक साइड ये है। तो मेरे पास यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है ये, तो मैं इससे इसको हुकअप करूँगा, इससे इसको ड्राइव करूँगा। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ आपके सामने और चेक करते हैं कि इसमें क्या इशू है। बैक प्लेट के अंदर इसके एक ये प्री एम जो है इसका, वो एक्सटर्नल है, प्री एम इसका इसके अंदर है। तो प्री एम को मैं अलग से ड्राइव नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं इसके अंदर इसका प्री एम ऐड करूँगा। तो प्री एम मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ये प्री एम इसका मैं सामने कर देता हूँ ताकि ये सामने दिखे। ये बीटी है इसके अंदर ना, ये ब्लूटूथ वाला स्पीकर है क्लिपशे का, देख सकते हैं ब्लूटूथ। तो मैं इसके अंदर इसका जो लेफ़्ट साइड वाला स्पीकर है वो ऐड कर देता हूँ। ये इसी सेटेलाइट के वायर्स हैं जो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि इसका लेफ़्ट साइड का इशू है, लेफ़्ट साइड इसका ऑन नहीं हो रहा है। इसके बाद जो इसके मैं वायर्स वगैरह हैं वो ऐड कर देता हूँ, इसके अंदर कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया इसका, अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसको मैं सप्लाई देकर ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने इसको, ये जो इसका सेटेलाइट स्पीकर है मेन राइट, ये ऑन हो गया है। और जो इस कनेक्ट मैंने इसी वाले स्पीकर को कनेक्ट किया है लेफ़्ट पे, लेफ़्ट साइड पे। हम चेक कर लेते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं पहले बीटी से। ये मैंने इसका बीटी कनेक्ट कर लिया है, ये मेरे पास इसका बीटी कनेक्ट हुआ हुआ है, क्लिपशे PM 2.1 प्रो मीडिया 2.1 बीटी। ये मैंने क्लिपशे का PM प्रो मीडिया 2.1 बीटी जो है कनेक्ट कर लिया अपने मोबाइल में। अब मैं इसके बाद इसमें कोई सॉन्ग प्ले करता हूँ, तो लेफ़्ट साइड पे जो है आवाज़ काफ़ी कभी हल्की सी आ रही है। मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या इशू है। इसका जो इशू जो है इसके अंदर, वो इसके पीसीबी का है, जो इसकी आउटपुट की जो इनपुट की जो पीसीबी है, ये मैंने अभी नोट किया है कि ये टूटी हुई है इसकी पीसीबी। अभी कैसे टूटी है ये हमें चेक करना है कि मतलब इसमें क्या कोई प्रिंट टूटा हुआ है हमारा। बिल्कुल हमारा जो लेफ़्ट साइड का जो सेटेलाइट का स्पीकर है वो डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, प्रिंट टूटा हुआ है इसमें दिख नहीं पा रहा है, फ़ोन में प्रिंट टूटा हुआ है इसका। तो मैं इसको एक
फोल्डिंग कर देता हूँ ताकि ये हमारा प्रिंट है वो देखते हैं कि ठीक हो सकता है या नहीं, क्योंकि ये ब्रांडेड स्पीकर है। इसमें इन स्पीकर्स में ज़्यादातर जो इश्यूज़ होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं कि ये ज़्यादातर जो प्रिंट वगैरह कहीं से डैमेज हो जाते हैं। अब देखें ये भी डैमेज हुआ हुआ है, ये डैमेज हुआ है तो खराब, मतलब इसमें इशू आया है लेफ़्ट साइड का, वरना इन स्पीकर्स में वैसे ये नॉर्मली आता नहीं है इशू। तो मैं इसको सोल्ड कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता। इसके तकरीबन सारे प्रिंट ठीक है, सिर्फ ये लेफ़्ट साइड वाला प्रिंट जो था ये टूटा हुआ था, ब्रेक हुआ हुआ था। मैं सबको सोल्ड कर देता हूँ ताकि एक मज़बूत हो जाए ये थोड़ा। ये सोल्ड हो गए हैं तकरीबन सारे, अब मैं इसको दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ। ये कनेक्ट कर दिया है मैंने, अब जो इसकी स्पीकर की इनपुट है उसको भी कनेक्ट कर देता हूँ मैं। ये कनेक्ट हो गया स्पीकर हमारा, और जो हमारा स्पीकर जो हमारा ड्राइव यूनिट जो कनेक्ट हुआ हुआ है वो लेफ़्ट साइड पे हुआ हुआ है। ये मैं सॉन्ग प्ले कर देता हूँ। जो नहीं टूटा है बाप मेरी माशू का, मेरे घर के बदल मुझसे डरते अब यूट्यूबर्स ये स्टोरी पे नर बदले घर पेंट गिरी मेरे। ये बिल्कुल ठीक हो गया, इसका जो प्रिंट का इशू है यहाँ से जो प्रिंट हैं इसके वो प्रिंट जो हैं इसके वो टूटे हुए हैं। प्रिंट को हम ठीक कर लेते हैं बिल्कुल इसकी, क्योंकि इसमें साउंड का इशू आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगा तो ये साउंड इसका ख़राब होगा बार बार। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जो है इसकी जो एक्स्ट्रा साइड्स हैं उनको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। तो ये साइड भी इसकी ब्रेक हुई हुई है जो ये साइड है, तो यहाँ के प्रिंट भी जो है मैं दोबारा बना लेता हूँ। इसके बाद हम चेक करते हैं कि साउंड ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने इसके प्रिंट दोबारा बना दिए हैं सारे जो ब्रेक हो गए थे, ये देख सकते हैं आप लोग, ये प्रिंट इसके ब्रेक हुए हुए थे जिसकी वजह से साउंड का इशू आ रहा था इसके अंदर, अब ये ठीक हो गए। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ चला करके साउंड ठीक हुआ या नहीं हुआ। ये एम्पलीफायर आ गया, इसको मैं कनेक्ट करके चेक कर लेता हूँ कि साउंड हमारा ठीक हुआ या नहीं। ये मैंने बीटी कनेक्ट कर दिया इसका, क्लिपशेयर प्रो मीडिया 2.1 बीटी। अब इसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि सॉन्ग चला के, ये लेफ़्ट साइड है इसका, ये इसका लेफ़्ट साइड है जो कि अभी बिल्कुल ठीक चल रहा है अभी। और इशू सिर्फ ये था कि जो इसका ये बोर्ड था ये बीच में से क्रैक हो गया था जिसकी वजह से इसके जो प्रिंट थे वो टूट गए थे। अभी मैंने इसके प्रिंट्स को रिसोल्डरिंग की है तो अब ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसके मैंने जो प्रिंट्स थे वो टूटे हुए थे वो मैंने बस कनेक्ट किए और ये ओके हो गया बिल्कुल। थैंक यू, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।